उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुंबकम्। ये भारत की अपनी पहचान की संस्कृति है और भारत की इस पहचान की संस्कृति के साथ जुड़ी है हमारा खान पान, हमारा भोजन, भोजन का स्वाद और साथ ही साथ स्नेह, और स्नेह स्वाद के साथ जुड़ा है पूरा हमारा स्वास्थ्य। आज के युग में भारतीय स्वाद, स्नेह और स्वास्थ्य को लेकर के जो बातें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं से भारतीय व्यंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने पूरी वसुधा में यानी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। बीते 50 सालों के अनुभवों को देखें तो हमारे बीच में मौजूद है देवेंद्र कुमार शेफ, जिन्होंने अपनी दुनिया ही बदल दी अपनी पहचान से। अपनी माँ की गोद में जो सीखा, जो देखा, जो स्नेह पाया, जिसमें जीवन जिया और भोजन का जो स्वाद पाया, उसको किस तरह से आगे लाके खड़ा कर दिया, वो व्यंजन आज पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भी उसकी सराहना होती है। तो देवेंद्र जी, जरा अनुभव को बांटिए ना, शेयर करिए और बताइए कि क्या था कालखंड, कहां से आपने सीखा और कैसे करके ये 50 साल के अनुभव को आज आपने अचीव कर लिया है। शुक्रिया। ये जो 50 साल की मेरी जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, सक्सेसफुल रही है, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी जर्नी जो है हैज़ बीन फुल ऑफ चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, पैशन, परसिस्टेंस, बहुत ही हार्ड वर्क और पॉजिटिविटी। जो मेरी खासियत रही है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पॉजिटिविटी। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि एक और भी दो शब्द जुड़े हैं इसके साथ, वो है ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि बहुत वर्क किया है। इसके अलावा ऑफकोर्स कहते हैं कि इंसान में एक ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है। वो जो ड्रीम था, वो जो मेरा विजन था, और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ बड़ा, कि फ्यूचर में भी यू नो एवरीथिंग वुड बी फाइन। यू नो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क पेज यू, सिंसियरिटी पेज यू। तो ये जो पॉजिटिविटी है मेरी, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक का, मुझे बहुत इसने मदद किया है इस प्रोफेशन में, इस इंडस्ट्री में। तो मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी जो है ना आपको बहुत सक्सेस लाती है। इट्स वन ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, बीइंग पॉजिटिव, हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। और बाकी रहा 50 साल, पता ही नहीं लगा कब गुजरे। आज मैंने 1971 में अभी मैं ग्रेजुएशन कर ही रहा था फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई होटल द ओबेरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल, उस टाइम पे कहा जाता दिल्ली में, वहाँ मैंने ज्वाइन किया इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट में। और होटल इंडस्ट्री की मुझे वहाँ पहचान हुई, और मैं खुद ही एक ऐसा प्रोफेशन ढूंढ रहा था। मीन आई वॉज लुकिंग फॉर ए प्रोफेशन जहाँ स्किल इन्वॉल्व हो, क्राफ्टमैनशिप हो, और अब अपनी आइडेंटिटी बना सके, जस्ट लाइक एन डॉक्टर। और सो मैंने कहा, हालांकि लोग उस टाइम पे सोच रहे थे कोई इंजीनियर बनने का, कोई डॉक्टर बनने का, कोई सीए बनने का, और हमने भी कभी सोचा था कि हम एक्टर भी बनेंगे और डॉक्टर भी बनेंगे। उसको बन के हम बन गए शेफ। तो कहते हैं कि जो कुदरत ने लिखा है असली, तो वही होना है। तो बड़ा मज़ेदार ये हुआ कि हमारे एक मेरे बॉस थे श्री ओबेरॉय साहब, वरिंदर ओबेरॉय, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ था। ये मैन पावर डेवलपमेंट डिवीज़न था, उसके डायरेक्टर थे। तो जब उनके साथ जुड़ा हुआ, ट्रेनिंग चल रही थी, तो एक ऐसी जिसको बोलते हैं ना इंस्पिरेशन मिली कि ये प्रोफेशन है, इसको ज्वाइन करना चाहिए। और ये एक ट्रांजिशन टाइम था, मतलब
बदलाव शुरू हो गया था ना, तो उस टाइम पे अपने मौका मिल गया। अब ये था कि डॉक्टर और बनने की बजाय आप बन गए, किचन में आ गए, तो बड़े ऑड चीज़ें थी। और पहले तो बड़ा धक्का लगा कि यू नो, बट वो कहते हैं ना कि शुरुआत तो हमेशा ऐसी होती है, कोई काम सीखना हो आपको बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अगर आपके पास धैर्य है, पेशेंस है और प्रिजर्वरेंस है, एक हार्ड वर्क सहने की और पॉजिटिविटी है, तो आप किसी भी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। एक खास बात तो ये थी कि उस टाइम पे 70s में इस प्रोफेशन में होटल्स लिमिटेड ही थे, उसमें मास्टर्स थे जो, जिसको उस टाइम पे खंजामा कहा जाता था, जो जिनके फादर ग्रैंडफादर यू नो वो सीखे हुए थे। पढ़ाई इतनी नहीं थी पर उनमें हुनर था, बड़ा चैलेंजिंग था उनसे स्किल सीखनी, क्योंकि वो बड़े पोजेसिव थे अपनी उसके बारे में, जो उनके पास तकनीक थी या जो स्किल थी, नॉलेज थी। तो इट वाज अ वेरी हार्ड थिंग टू लर्न फ्रॉम देम। वो एक चैलेंज बड़ा ज़बरदस्त था कि क्योंकि वो कहते थे कि अगर मैंने देवेंद्र कुमार को सिखा दिया तो उसकी नौकरी चली गई ना। तो ये करते करते समय लगा, पढ़े लिखे लोग इसमें आने लगे 70s, 80s, राइट। मुझे भी बहुत अच्छे चांसेस मिले, मैं मुझे फ्रांस भेजा गया एक फ्रेंच हॉट क्विजीन में स्पेशलाइज करने के लिए। मैं 75 से 77 में फ्रांस मेरा टॉप शेफ्स और होटल्स में काम किया, जो कहते हैं ना कि कहते हैं कि जो फ्रेंच क्विजीन है वो मदर ऑफ ऑल क्विजीन है। अगर आपने फ्रेंच खाना सीख लिया तो कहते हैं ना कि आपने सही बेसिक सीख ली, वो आर्ट सीख ली, तो कोई भी कुकिंग आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्रांस में। उसके बाद मैं कई जगह गया, अवार्ड भी जीते। कहावत है कि जो 1000 साल की जो जर्नी है, 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, तो उसको लेके फिर ये जर्नी चलती आ रही है। और मैं कई कंट्रियों में घूम के आया हूँ, मौके मिले। मैं इटली भी गया, श्रीलंका भी गया, जापान भी गया जापानीज खाना सीखने के लिए, तो अमेरिका भी हो, कई कंट्रियों में, क्योंकि ये एक प्रोफेशन था कि जो एक आपको वर्ल्ड स्केल पे आगे कर सकता है। शुरू में 70 और 80 में जो हिंदुस्तान में जो किचन थी, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट शेफ्स थे वही चलाया करते थे, तो वो अभी एक्सपर्टीज़ नहीं थी। जब हम लोग किचन में आए, क्योंकि हमारी एजुकेशन थी पर्पस, हम क्वालिफाइड थे, तो उसको हमने जल्दी ग्रास्प कर लिया। फिर फॉरेन एक्सपोजर के कारण बड़ा बहुत सॉलिड, वो एक किस्म की वो इंडोर्समेंट होगी कि आप सर्टिफाइड हैं टू रन एनी टॉप 5 स्टार ऑफ द होटल, यू नो। तो वो दिन और आज तक विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड एवरीवन, तो आज एक्सपर्ट शेफ की ज़रूरत नहीं हुई हमारे होते हुए। तो हमने क्या किया, एक तो ये बहुत चैलेंज हमने कर दिया कि उनसे हमने टेक ओवर कर लिया, और दूसरा जो है हिंदुस्तानी व्यंजन को जो हम लोगों ने किया है, इसको हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म में ले गए। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारी अभी इतनी, हमें हमारे खाने को इतनी अभी पहचान नहीं मिली थी, क्योंकि ये लाया गया है। कई मेरे और भी कुलीग हैं जिन्होंने फॉरेन में जाके बड़े बड़े करिश्मे दिखाए हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने ज्वाइन किया 50 साल पहले, तो ये
जो प्रोफेशन है शेफ्स प्रोफेशन या ये प्रथा चली आ रही है। ये पहले लोग खंजामा कहा करते थे, फिर कुक बने, अब शेफ बने, तो वो उसकी एक पहचान बनाई है हमने इस प्रोफेशन की। वी हैव बीन एबल टू एनहेंस द इमेज एस्टीम एंड पोजिशन ऑफ दिस प्रोफेशन इन द इंडस्ट्री एंड सोसाइटी एज लार्ज। एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो व्यंजन की पहचान बाहर थी वो बड़ी लिमिटेड थी, यहाँ थी चिकन टिक्का कड़ी बस यहाँ तक सीमित थी। जब मैं 70s में बाहर गया तो पहचान ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि वो यही कहते थे कि हिंदुस्तानी व्यंजन जो है क्या कड़ी और टिक्का यही है मेरे ख्याल। तो ये सी चेंज हुई है कि आज पहचान बन गई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक हमारा ही देश है पूरे वर्ल्ड में जहाँ 22 से ऊपर भी डॉक्यूमेंटेड क्विजींस हैं। कोई ऐसा देश नहीं है संसार में, वर्ल्ड में, जिसमें इतनी क्विजीन हो, हर 200-300 किलोमीटर में व्यंजन बदल जाता है। मैं कहता हूँ अमेजिंग, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड इन दिस कंट्री। पर चाहिए क्या था कि प्रमोटिंग द राइट फ्लेवर, जो हुआ है पिछले सालों से। अब जो है ओरिजिनलिटी, अब रीजनल क्विजींस है, अब ये सिर्फ डोसा नहीं है, अब चटिना जो मर्जी क्विजीन ले लो, ये तो एंसाइक्लोपीडिया है हर क्विजीन। एक एक क्विजीन जो हमारी है इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। और मैं कहूँगा कि ये क्या व्यंजन है हमारा इंडियन, इट इज, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी खाना इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट फूड इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें जो लाजवाब मसाले हैं उसका तो कुछ कहने ही नहीं ना, क्योंकि हमें तो बाय गॉड्स ब्लेसिंग हर जो क्विजीन है हमारी रीजनल क्विजीन उसमें इतनी इन डेप्थ स्टडी है कि मैं समझता हूँ कि आप गो बैक टू द हिस्ट्री, चाहे आप अवधी क्विजीन ले लो, राजस्थानी, कश्मीरी, पंजाबी, नेम एनी क्विजीन, और इतनी लाजवाब है, इतनी उसमें वैरायटी है। और ऑब्वियसली यू नो वो आपको, जब आप इसको एंजॉय करते हैं तो यू रियली हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट, फ्लेवर, अरोमा, एंड यू नो व्हेन इट कम्स टू वेदर यू टॉक अबाउट इम्यूनिटी, आज इम्यूनिटी की बात हो रही है, भाई हिंदुस्तानी व्यंजन से बढ़िया तो कोई व्यंजन है ही नहीं जिसमें इतनी इम्यूनिटी हो। हर जगह अगर आप जाओगे तो वहाँ भी आपको अलग व्यंजन, चाहे आप पूरी टेम्पल चले जाओ या कहीं और चले जाओ, कितने कितने बढ़िया व्यंजन है जो प्रभु को चढ़ते हैं, राइट, चाहे आप वृंदावन चले जाओ या कोई नहीं। तो आई थिंक ये भी एक हिंदुस्तान की पहचान है। मुझे तो बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं आज इस मकाम में पहुँचा हूँ, जिसके पीछे जैसे मैंने पहले बताया बड़ी मेहनत है, कड़ी मेहनत है, लगन है। और कहते हैं कि अगर डेस्टिनेशन अच्छा हो, सक्सेस मिल जाए, तो आपकी जितनी हार्ड वर्क, आपकी तकलीफें हैं वो आप भूल जाते हैं। तो बड़े बड़े हुनर वो मिले, लॉरेल्स मिले, अच्छे अच्छे नेशनल अवार्ड मिले, किताबें लिखी हैं, मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, चल रहा हूँ, अभी भी हूँ प्रेसिडेंट शेफ्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पिछले 20 साल से। तो ये जो किताबें मैंने लिखी हैं, मेरी छठी किताब है, छठी, और ये जिसका नाम मैंने सेकंड मील रखा है, और बहुत ही बेहतरीन अनयूजुअल सब्जेक्ट है। मगर पहले तो बंदा सोचता भी ये सेकंड मील है क्या, भाई इट्स एन आर्ट ऑफ कुकिंग विद स्क्रैप्स। मतलब ये किताब आपको एक ऐसे इनोवेटिव आइडियाज देती है जिससे आप जो स्क्रैप्स हैं, इट बी वो प्रोडक्ट्स जब आप खाना बनाते हैं बच जाते हैं, उसको
जनरली हम क्या करते हैं कि उसको फेंक देते हैं, जनरली घर में हो, होटलों में भरा पड़ा, राइट। तो इस कबाब किताब के जरिए मैंने उन स्क्रैप्स को, स्क्रैप्स मीन पील्स, सीड्स, स्टेम्स, रूट्स, स्टॉक, इनको आप अपस्काइल करके एक इंग्रेडिएंट बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे आप एक डिलीशियस सेकेंड मील बनाते हैं। तो आपने क्या किया, एक तो क्योंकि स्क्रैप्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमें पेरेंट्स भी कहते थे भाई गाजर खानी है तो स्किन के साथ खाओ, उसमें से तो असली हैं, फेंको नहीं। उनके दिल में ये जो इंग्रेडिएंट की बड़ी इज्जत थी कि चुन चुन के इस्तेमाल करना एक भी चीज है, मगर अब जो है तो ये जो स्क्रैप्स हैं इनमें बहुत ताकत है, इनमें बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे विटामिन ले लो, एंटीऑक्सीडेंट ले लो, फाइबर ले लो, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम फेंक देते हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ, मैंने एक ही टैगलाइन किया है, मैक्सिमाइज न्यूट्रिएंट्स एंड मिनिमाइज वेस्ट। मैं ये कहूँगा कि जो भी आप करें जिंदगी में, यू मस्ट लव व्हाट यू डू और डू बेटर एंड बेस्ट, अपने पूरा दिल से 100% दीजिए, सक्सेस आपके कदमों में होगी। व्यंजन सम्राट देवेंद्र कुमार को 50 वर्षों के अनुभवों के साथ बहुत ही बहुत अनुभूतियों वाला, अनेकानेक अलंकारों से सुसज्जित ये ज्ञान परंपरा को भारत की पहचान, भारतीय भोजन का स्वाद और उसकी शान, देवेंद्र कुमार, कुल मिलाके आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुक्रिया जी।